Assalamu alaikum, grade 9. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. I hope all of you are healthy, wealthy, wise, safe, going to school and studying. Studying is very important. बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना. बार 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 आपकी मिस फाइजा नदीम आपको ये कहती हैं, शायद क्यों उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, है ना? शायद क्या पढ़ना शुरू कर दो थिंकिंग के यार मिस फाइजा ने तो पूछना ही पूछना है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर गोइंग टू कैरी ऑन विद आवर एक्टिव एंड पैसिव लेक्चर. ठीक है, शुरू करें. चलो, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. जी बेटा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. लास्ट लेक्चर, इन माय प्रीवियस लेक्चर, इस सीरीज के पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन दिया था. ठीक है, इस लेक्चर में मैं फिर आपको डेफिनेशन देती हूँ. सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, ऐसे होती है कि जो काम कर रहा होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वो सेंटेंस के शुरू में हो. अगर वो सेंटेंस के शुरू में होता है तो वो एक्टिव होता है, और अगर वो स्लो, लिथार्जिक, सुस्त सेंटेंस के आखिर में बैठा होता है तो वो क्या होता है? पैसिव होता है. पैसिव का मतलब होता है लेजी. सारे आपके सिबलिंग्स पैसिव हैं, आप तो सारे एक्टिव बच्चे हो ना, सारे काम कर लेते हो, है ना? मुझे पता है मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे है ना. ठीक है, तो अगर जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो सब्जेक्ट है, वो सेंटेंस के एंड में है तो वो पैसिव वॉइस है, सेंटेंस के शुरू में है तो वो एक्टिव वॉइस है. इस सिलसिले के पहले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के किए थे 8 स्टेटमेंट्स. आज हम करेंगे उसकी बाकी स्टेटमेंट्स. आपकी ग्रामर टेक्स्ट बुक में से आपको मालूम है कि इसमें से एक सवाल आपके पेपर में लाजमी आएगा. तो जितने सेंटेंसेस आपकी ग्रामर टेक्स्ट बुक में हैं, हमने वो सारे के सारे करने हैं, ताकि हम कोई भी मार्जिन ना छोड़ें, एग्जामिनर को कोई चांस ना दें हमारे वो मार्क्स काटे. ठीक है, थोड़ी सी टिप. रीइंफोर्समेंट, सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में तो एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में है तो पैसिव वॉइस है. ठीक है, अगर सेंटेंस के शुरू में दे है तो एंड में देम है, अगर सेंटेंस के शुरू में ही है तो एंड में हिम है, और अगर सेंटेंस के शुरू में शी है तो एंड में हर है. अगर आई सेंटेंस के शुरू में है तो एम सेंटेंस के एंड में है. ठीक है, इज एम आर के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में बीइंग ऐड होगा. अगर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में बी डबल ई एन बिन ऐड होगा, और अगर फ्यूचर टेंस एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में बी ऐड होगा. क्विक हमने सारे रिकैपिचुलेट कर लिया, चलो अब सॉल्व करते हैं. ठीक है, असलम चीट्स. ओ, ही डज नॉट चीट, ही क्लीन्स टीथ्स. तो असलम है आपका सब्जेक्ट, क्लीन है आपका वर्ब, टीथ है आपका ऑब्जेक्ट. क्या बन गया ये? टीथ आर क्लीन्ड बाय असलम. नोट कर रहे हो कि कैसे असलम यहां सेंटेंस के शुरू में है और यहां सेंटेंस के एंड में है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है. ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में है, यहाँ सेंटेंस के शुरू में है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है. ठीक है, द बॉय मेक्स अ पिक्चर. द बॉय इज सब्जेक्ट, मेकिंग इज वर्ब, पिक्चर इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो पिक्चर पहले आएगी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है. पिक्चर सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है? सिंगुलर. पिक्चर इज मेड बाय द बॉय. ठीक है, ही पोस्ट द लेटर. ही सब्जेक्ट है, लेटर्स ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, एक्शन है, जो वो काम कर रहा है. ठीक है, तो
द लेटर सिंगुलर है प्लूरल है? एस लगा हुआ है? नहीं, द लेटर इज पोस्ट का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? पोस्टेड, पोस्टेड बाय शुरू में ही है तो एंड में क्या आएगा? हिम। वेरी गुड। डू यू लाइक एप्पल्स? यू सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, ऑब्जेक्ट एप्पल्स है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएंगे और ऑक्सिलरी वर्ब उससे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन है। आर द एप्पल्स लाइक्ड? लाइक लाइक्ड लाइक्ड ओके बाय यू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। द गोट गिव्स मिल्क, सब्जेक्ट आपका द गोट है, गिव आपका वर्ब है, मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मिल्क सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। इज गिवन बाय द गोट, ठीक है। दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजाना एक ग्लास दूध का पीना वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्थी, इफ यू वॉन्ट टू कीप थिंग्स रिमेम्बर्ड, राइट। यू टेक अ बाथ डेली। यू इज द सब्जेक्ट, टेकिंग इज द वर्ब एंड बाथ इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ बाथ इज डेली taken by you, ठीक है। A bath is daily taken by you, यह आपका सब्जेक्ट था, यह आपका ऑब्जेक्ट था, यह आपका वर्ब था, ठीक है। Is क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ऑक्सिलरी is है, बाथ सिंगुलर नाउन है इसलिए is है, क्लियर हो गया। ये हमने किए 14 सेंटेंसेस। जल्दी से हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को खत्म करते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो क्विकली लेट्स फिनिश प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बाय दिस टाइम हमारी टिप ऑफ फिंगर्स पे है, राइट। आई वेयर न्यू क्लोथ्स, आई इज सब्जेक्ट, वेयर इज वर्ब, क्लोथ्स इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो क्लोथ्स पहले आएगा, ठीक है। अच्छा, क्लोथ्स जो है वो प्लूरल है, तो न्यू क्लोथ्स आर वर्न, ठीक है, वियर वोर वर्न, बाय सेंटेंस के शुरू में आए हैं तो सेंटेंस के एंड में क्या है? मी, राइट। यू डील इन शुगर, ठीक है, शुगर ऑब्जेक्ट है, पहले शुगर आएगा फिर आप आएंगे, ठीक है। शुगर इज सिंगुलर नाउन है, डील डेल्ट, डील डेल्ट डेल्ट, शुगर इज डेल्ट बाय यू, ठीक है। ही डज नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली, ही इज द सब्जेक्ट जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, एक्सरसाइज इज द ऑब्जेक्ट जो वो रेगुलरली नहीं कर रहा, और क्या कर रहा वो? नहीं कर रहा, ठीक है। एक्सरसाइज इज नॉट डन बाय हिम रेगुलरली। I hope you are noticing what I am pointing out. I am pointing out what I have discussed multiple times. So this time I am just pointing them out. It's your duty, it's mandatory for you to notice what I am doing. Noreen washes clothes. Subject, verb, object. Clothes are washed
बाय नोरीन, ठीक है। द बैंक डज नॉट गिव लोन टू मी, द बैंक इज द सब्जेक्ट, द बैंक इज द सब्जेक्ट, गिविंग इज द वर्ब, आई एम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई के साथ इज, एम के आर क्या, एम, नॉट गिवन लोन बाय द बैंक, ठीक है। वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। This factory is not run by us. We in the beginning, us in the end. Clear? Present indefinite tense के हमने सारी की सारी एक्सरसाइज कर ली. Present indefinite tense में अब हम कोई गलती नहीं करेंगे. More or less यही sentences आते हैं. सब practice कर ली, मेरे साथ साथ practice करो. पहले मुझे देखो और उसके बाद अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ उसको सॉल्व करो, ठीक है, ताकि तुम्हें ये पक्का 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 जहन नशीन हो जाए। लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस की क्या आइडेंटिटी होती है? आईएनजी होता है रूट वर्ब के साथ और ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इज, एम, आर, राइट। तो अगर कंटीन्यूअस टेंस में आपकी एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में आपने क्या वर्ड ऐड करना है? बेइंग, BEING, बीइंग, राइट। दे आर बाइंग दिस हाउस, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है। दिस हाउस, यहां पे आर है, हम इस यूज करेंगे क्योंकि हाउस जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, वो दे जो थे प्लूरल थे। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम, ठीक है, ये घर वो खरीद रहे हैं। शी इज बाइंग 5 वीडियो फिल्म्स, शी इज सब्जेक्ट है, बाइंग वर्ब है, वीडियो फिल्म्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 5 video films are being, being ऐड करना है हर जगह, ठीक है, हम कंटीन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। बॉट बाय, शी बिगिनिंग में है, यहाँ क्या आएगा? हर, ठीक है, बिगिनिंग में अगर शी है तो यहाँ आएगा हर। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, कितनी दफा कर चुके हम, ठीक है, हम बहुत दफा कर चुके हैं लेकिन हम इसको फिर भी कर रहे हैं ताकि हमको पक्का जहन नशीन हो जाए, ठीक है। द वॉल इज बीइंग क्लाइम्ड बाय द बॉय, ठीक है, द वॉल इज बीइंग क्लाइम्ड बाय द बॉय। बींग ऐड करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करनी है उसको पहले लिखना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है उसको एंड में लिखना है। रीइंफोर्स कर लेते हैं, फिकर नहीं करो, और रीइंफोर्स कर लेते हैं, ठीक है। 3 सेंटेंसेस हमने किए, चलो फोर्थ वन कर लेते हैं। व्हाई इज ही मेंडिंग द चेयर, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन है तो वाई पहले आएगा, ठीक है, ये हमने गलती नहीं करनी, क्वेश्चन में हमेशा वाई पहले आएगा। वाई इज द चेयर मेंडिंग, बीइंग मेंडेड By he है तो क्या आएगा? Him, good. When is he mending the chair? अब same sentence है, सिर्फ हमने ये किया कि हमने why की जगह
वेन लिख दिया, ठीक है. वेन इज द चेयर बींग मेंडेड बाय, ही है क्या आएगा, हिम. ही इज वेयरिंग न्यू क्लोथ्स. ही सब्जेक्ट, वेयरिंग वर्ब, क्लोथ्स ऑब्जेक्ट. तो पहले क्या आएंगे, क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स. अब क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है. आर, आई एन जी है बींग, वेयर है वन, बाय ही है हिम, ठीक है. इसी तरह हु इज आस्किंग क्वेश्चंस. अब इसमें हम यू नहीं कर सकते कि हु इज क्वेश्चंस आस्किंग, बिल्कुल ही इररिलेवेंट सा सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल नॉनसेंस सेंटेंस बन जाएगा. इसको हमने बड़े सेंसिबली रिफ्रेस करना है, ठीक है. हु इज आस्किंग क्वेश्चंस, हु आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है. इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्वेश्चंस आपके हो गए ऑब्जेक्ट, आस्किंग हो गया आपका वर्ब, ठीक है. तो हम इस इनडेफिनेट प्रोनाउन को कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चंस, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट पहले आएगा, क्वेश्चन से इज नहीं आएगा, आर आएगा, बींग, ठीक है. आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड, बाय हूम, ठीक है. सेंटेंस के शुरू में हु है तो सेंटेंस के एंड में हूम. ध्यान से अच्छी तरह से देख लो, ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन था, इसीलिए हमने इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एज इट इज ऊपर वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह नहीं कॉपी किया. हमने इसको ऑब्जेक्ट को पहले लाके तरीके से क्वेश्चन बना के, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना के सॉल्व किया है, ठीक है. द पियन इज रिंगिंग द बेल. पियन बेचारा हमारा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बेल को रिंग करता है ताकि आपको छुट्टी अनाउंस हो जाए, ठीक है, और आप बाहर भागना शुरू हो जाए. द बेल इज बींग रिंग का क्या पास्ट टेंस है, रंग, रंग बाय द पियन. उस बेचारे की जान आप हलकान कर दे. दिस क्लोथ इज सेलिंग चीप. यहां पे जरा ट्रिकी है, ये आपका सब्जेक्ट है क्योंकि वो चीप बिक रहा है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो आपने इसको लाइकवाइज सॉल्व करना है, ठीक है. दिस क्लॉथ इज बींग सोल्ड चीप, ठीक है. ये वाला सेंटेंस इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना, इसको अच्छे से समझना. आर यू लिस्निंग टू द न्यूज. यू सब्जेक्ट है, लिस्निंग वर्ब है, न्यूज ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अब न्यूज जो है वो कलेक्टिव नाउन है इंफॉर्मेशन के लिए ढेर सारा. हमने यू के साथ हमेशा आर आता है इसलिए इधर आर लगाया है, लेकिन अब जब हमने ऑब्जेक्ट को शुरू में लेना है तो हम लिखेंगे इज द न्यूज बींग लिसेंड बाय यू, ठीक है. क्वेश्चन है तो हमने पहले इज लिखना ही लिखना है, लेकिन यूज एक कलेक्टिव नाउन है, वो सिंगुलर कंसिडर किया जाता है इसलिए हमने उससे पहले इज लगाया है. दे आर किलिंग द मैड डॉग्स. दे आपका सब्जेक्ट है, किलिंग आपका वर्ब है, मैड डॉग्स ऑब्जेक्ट है. तो आपने यहां क्या लिखना है, मैड डॉग्स आर आई एन जी बींग किल्ड बाय, दे शुरू में है, अब क्या आएगा, देम. वेरी गुड, वेरी गुड, जो भी बोला है वेरी गुड, राइट. She has not beaten the dog. अब ये हमारा perfect tense आ गया. Perfect tense की identity क्या है? Perfect tense की identity है presence of has और have. Singular nouns के साथ has,
प्लूरल नाउन के साथ हैव, लेकिन सिंस आई एम स्पेशल आई डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स एंड सिंस यू आर स्पेशल एज वेल सो यू डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स. आई और यू के साथ हैव, ठीक है, और पैसिव वॉइस में हैज और हैव के साथ लग जाता है बिन, बी डबल ई एन, बिन, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट. गिरा से बांध लो, ठीक है, यहां पे डाल के लॉक कर लो, ठीक है. शी हैज नॉट बीटन द डॉग, शी इज द सब्जेक्ट, बीटिंग इज द वर्ब, डॉग इज पुअर द ऑब्जेक्ट, ठीक है. द डॉग हैज ही लगेगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है, डॉग भी सिंगुलर है. हैज नॉट बीन, ठीक है, बीटन, बीटन थर्ड फॉर्म ही है बीट की, बीटन बाय, ये शी है, क्या आ जाएगा, हर, ठीक है, क्लियर हो गया. द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर, फर्स्ट सेंटेंस किया हमने. Let's move on to the second one. They have bought a house. ये आपके subject है, ये आपका verb है, ये आपका object है. Object से शुरू करेंगे हम, ठीक है. They have bought a house. A house. अच्छा, they plural था, house singular है, ठीक है. Have की जगह क्या लगेगा, has. क्या ऐड हो जाएगा, बिन. बाय का पास्ट टेंस पार्टिसिपल बॉट ही है. अ हाउस हैज बीन बॉट बाय देम, ठीक है, दे बिगिनिंग में है, यहां पर देम. दे हैव बॉट अ हॉर्स, सेम है, अब की दफा उन्होंने घोड़ा खरीद लिया है, तो हम घोड़े को पहले ले आएंगे, ठीक है. अ हॉर्स हैज, ये दे के साथ प्लूरल है, ये हॉर्स के साथ सिंगुलर है. Has been bought by them, ठीक है. They have won the match. मेरा ख्याल है मुझे भूख लग रही थी, मैंने वाई खा लिया. They have won the match. क्या सब्जेक्ट है, they सब्जेक्ट है, winning is verb and match is the object, ठीक है. तो हम लिखेंगे the match. द मैच सिंगुलर है तो हैव आएगा कि हैज आएगा, बोलो जल्दी से मेरे लिखने से पहले. हैज आएगा, गुड. द मैच हैज आगे क्या आएगा, बिन, वेरी गुड. द मैच हैज बिन वन बाय, सेंटेंस के शुरू में दे है, सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, देम. दे हैव टॉट द पोयम, किस किस को, पोम, पोम. आजकल सब इसको फोम भी कहते हैं, ये पोयम भी होती है. इट्स अप टू यू द वे यू वांट टू प्रोनाउंस इट. दे हैव टॉच्ड द फोम, द फोम हैज बीन टॉच बाय देम, ठीक है. हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है. आंसर क्या होगा, हैव योर वर्क, हैव योर वर्क बिन फिनिश्ड बाय यू, ठीक है. क्वेश्चन, वी हैव नॉट टेकन टी, सब्जेक्ट verb, object. She has not been taken by, we है तो end में क्या आएगा, us. देख रहे हो कैसे हम bin लगा रहे हैं हर जगह, b i n bin नहीं है, ये b double e n bin है, इसको भी bin कहते हैं, ठीक है. The girl has written the story.
ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? पहले ऑब्जेक्ट आएगा. द स्टोरी सिंग हैज हैव है, क्या आएगा? हैज आएगा, सिंगुलर है. हैज बिन रिटन बाय द गर्ल, ठीक है? आई हैव टेकन माई ब्रेकफस्ट. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. माई ब्रेकफस्ट हैव है तो अब क्या आएगा? हैज बिन टेकन बाय, सेंटेंस के शुरू में आई है तो क्या आएगा? मी, ठीक है? क्लियर हो गया? ही हैज नॉट थ्रोन रॉटन एग्स. ही सब्जेक्ट है, थ्रोन वर्ब है, रॉटन एग्स ऑब्जेक्ट है. तो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? रॉटन एग्स. रॉटन एग्स या हैज है, ये प्लूरल है. हैव नॉट बिन thrown by, he है क्या आएगा? him, ठीक है? The dog has caught the rabbit. ये कैसे करेंगे हम? The rabbit has been caught by the boy. No dog. I thought the boy was catching the rabbit. It was a dog. सब कुछ सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है? हमने एक्टिव पैसिव की प्रेजेंट वाली सेंस को सबको सॉल्व कर लिया. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट. इंडेफिनिट में हमने इस एम आर के साथ लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. कंटिन्यूस में हमने इस एम आर के साथ लगाया बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और परफेक्ट में हमने हैज और हैव के साथ लगाया बी डब्ल्यू एंड बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, हम कैसे याद करें? तो बेटा कुछ तो मेहनत खुद भी करनी है. अगर आपको मेरा वर्ब वाला लेक्चर याद हो तो मैंने आपसे कहा था, ऑनलाइन निकालो, तीन चार बार पढ़ो और उसको आपको जहन नशीन हो जाएगा. कॉमन सेंस है. कुछ हम इतना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिख के आए होते हैं कि हमें वैसे ही कॉमन सेंस होती है. अपना बहुत ध्यान रखना, पढ़ते रहना, स्केड्यूल डिवाइस करना और इंग्लिश को सबसे ज़्यादा टाइम देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, टिल वी मीट अगेन. अल्लाह हाफिज़.